इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया, क्या कहना चाहेंगे, कितना कितने कितना आसान था और कितना मुश्किल था इस तरह का इवेंट को बढ़ावा देना और इवेंट से जुड़ना? ये इवेंट मुश्किल तो था क्योंकि 3 वर्षों से मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन जो चाहिए था वो चीज़ हो नहीं पा रही थी और अब जाके आज के दिन वो चीज़ सफल हो रही है। तो गए साल भी हमने प्लान किया था दिल्ली में, लेकिन वो नहीं हो पाया किसी कारणवश, लेकिन आज वो मतलब 3 वर्ष साहस करने के बाद में आज सफलता मिली इस कार्यक्रम के लिए, जो नेताजी के नाम से हम इन सैनिकों को, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, पुलिस और उसके लोगों को, मतलब इन लोगों को खास करके हम ब्रेवरी अवार्ड्स देना चाहते थे, जो हम आज दे चुके हैं। जी उसी जयंती के उपलक्ष्य में ही आज का कार्यक्रम है, उनकी जयंती है 23 तारीख को, उसी के उपलक्ष्य में हमने आज 19 तारीख को ये प्रोग्राम रखा हुआ है। सर उस दिन रख सकते थे, लेकिन संडे क्या है, लोगों के लिए कंफर्टेबल पड़ता है। अभी हमारे जो देश के जवान हैं, जो रिटायर्ड जवान हैं, वो अलग अलग दूर दूर से आए हैं, कोई गोवा से आए, कोई नासिक से आए हैं, आना जाना ट्रैवल करना, मतलब संडे सूटेबल होता है, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट के बाद वो भी कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जुड़े होते हैं, तो इसलिए संडे सूटेबल होता है सबको आने के लिए भी, अपने अपने काम छोड़ के समय देने के लिए भी। बॉलीवुड की कई हस्तियाँ आएं, आर्मी की कई हस्तियाँ आएं, जी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड की हस्तियाँ तो मुझे प्रेम करती है, तो मेरे हर कार्यक्रम में आ जाती है, तो बॉलीवुड तो हमेशा साथ में रहा है और उनका अच्छा खासा योगदान रहा है मेरे कार्यक्रमों में, और उनको मेरी थीम बहुत पसंद आती है। खास करके उनका आने का मकसद ये होता है कि कुछ हटके करता हूँ, क्योंकि बॉलीवुड अवार्ड्स तो बहुत चलते हैं इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन ये हमेशा मेरी कुछ ना कुछ नई चीज़ रही है। अभी अप्रैल में आने वाले समय, अप्रैल में भी हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नोबल अवार्ड्स भी आएगा। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आर्मी, नेवी और शिरकत किया, इस पर आपकी क्या राय है? सर देखिए उनके वजह से ही आज वो जो साहस कर रहे हैं बॉर्डर पे, वो हर तूफान से जो लड़ रहे हैं, उसी वजह से हम सुरक्षित हैं। तो हमारी जो भारोनी जो संरक्षण है वो आज उन्हीं की वजह से हमारी चल रही है, वरना हम लोग देश में कुछ नहीं कर पाते। आने वाले समय में ह्यूमन राइट्स के लिए आप और क्या करने वाले हैं? सर ह्यूमन राइट्स देखिए, मैंने आज 7-8 साल हो गए मुझे संस्था चालू करके, तकरीबन 10 वर्ष पहले 2-3 वर्ष में दूसरी संस्थाओं में भी रहा, लेकिन ह्यूमन राइट्स का जो प्रचार है वो सही तरीके से नहीं हो पाया, उसमें एक कम्युनिकेशन गैप आया, वो गए पुरानी सरकारों के तरफ से आया, क्योंकि 1948 में भारत ने इस बिल को संयुक्त राष्ट्र में समर्थन दिया हुआ है, और उसके बाद भी हमारे पास उसका नामो निशान नहीं चला। 1993 में हमारी एजेंसी खुली, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और उसके वजह से एक पहचान बनी देश के अंदर ह्यूमन राइट्स की। तो आप देख सकते हैं 48 में जो बिल हमने अडॉप्ट किया यूएन में, वो उसको इस्टेब्लिश गवर्नमेंट ने 1993 में, यानी 45 वर्षों का जो गैप है, इस गैप के कारण भारत के लोग अभी तक पूरी तरीके से मानव अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है। मानव अधिकार के लिए संस्था और भी क्या करने वाली है, जैसे कुछ? सर मानव अधिकार के लिए बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं हम। हमने अब तक संस्था लगभग तकरीबन 36 स्टेट में हमारी संस्था स्थापित है, और हम चाहते हैं कि मानव अधिकार के जो उल्लंघन हैं, इन कानूनों को अगर सही दिशा में CRPC एक्ट में अगर शामिल किया जाए तो और फर्क आ सकता है और इम्प्रूवमेंट आ सकता है। और सबसे पहले तो देश को जागरूक करने की बात है। आज मुझे संयुक्त राष्ट्र ने हमारी संस्था को स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस दिया हुआ है, और उनका भी यही सवाल था कि हम आपको, आप किस तरीके के केस करते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे भी उनके पास यही प्रस्ताव रखा था, सर मैं केसेस तो तब करूँगा, लोगों के लिए तब लड़ूँगा जब लोगों को ये तो पता हो कि मेरे हक वायोलेट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस देश में तो लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि आप देख सकते हैं? सरकार देखिए, सरकार जो है गवर्नमेंट पॉलिटिकल, आप पोलियो पे गवर्नमेंट की ऐड चलती है, कंज्यूमर पे चलती है, क्यों मानव अधिकार का जागरूकता नहीं करती है? अगर मानव अधिकार पे सरकार की तरफ से ऑडियो विजुअल बना के अगर उसकी जागरूकता की जाए तो और जल्दी इस्टेब्लिश होगा, लेकिन सरकारें आज भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। कंज्यूमर ऐड को वो प्रोत्साहन देते हैं, आप देख सकते हो कि पोलियो बीमारियों के लिए देखते हैं, लेकिन मानव अधिकार के ऊपर किसी भी तरीके की कोई प्रमोशन नहीं होती, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं, जो भी सरकार आती है वो इस तरह
मोह में फंस जाती है कि वो चाहते ही नहीं कि देश की जनता जागरूक हो। थैंक यू।